वहीं सूबे की आवाम को गांव-गांव तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके इसके लिए सरकार ने दीनदयाल चलित अस्पताल योजना शुरू किया, जिसका जिम्मा प्रदेश सरकार ने समाज के लिए काम करने वाले एनजीओ को दी। लेकिन सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के पहियों पर एनजीओ भ्रष्टाचार का ब्रेक लगा चुकी है। दरअसल मामला आदिवासी झाबुआ जिले के राणापुर ब्लॉक का है, जहां दीनदयाल चलित अस्पताल योजना से डॉक्टर गायब हैं और एक लैब टेक्नीशियन मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। आपको बता दें कि एक महिला अपने पोते को बुखार के चलते उसका इलाज करवाने इस अस्पताल में पहुंची, लेकिन उसे नहीं पता था कि जहां वो अपने पोते का इलाज करवाने ला रही है वहां एक भी क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, बल्कि एक लैब टेक्नीशियन है जिसे इलाज की ना तो समझ है और ना ही पात्रता। बावजूद इसके वह अब तक कई मरीजों को इलाज के नाम पर दवाइयां दे चुका है। वहीं झाबुआ के दौरे पर पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के जॉइंट डायरेक्टर ने लैब टेक्नीशियन द्वारा किए जा रहे इलाज को गलत बताते हुए कार्रवाई का दावा किया।